आपने अपने चैनल सब्सक्राइब किया तो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए आपके अपने चैनल को। SRA प्रोजेक्ट को लेकर सोसाइटी के अध्यक्ष पर जानलेवा हमले किए जाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कांदेवली पश्चिम चार को बाबरेकर नगर में सपनापूर्ति को अपोर्टी हाउसिंग सोसाइटी के 68 रूम का SRA प्रोजेक्ट के तहत पुनर्निर्माण का कार्य शुरू है। इसी को लेकर दो बिल्डरों के बीच विवाद चल रहा है। इसी कारण सोसाइटी के अध्यक्ष संभाजी जाधव को कई बार धमकियां भी मिल चुकी थी। मंगलवार की सुबह शौचालय जाते समय संभाजी के ऊपर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कांदेवली के बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। इस संबंध में संभाजी जाधव के परिजन एवं उनके सोसाइटी के लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। झोपड़ी धारक बाबरेकर नगर चार सौ कांदेवली पश्चिम मुंबई सदस्य यहाँ पे रहते, हमारा शिवरा डेवलपर्स के माध्यम से उनके मालिक है कैलाश जी यादव, इनके माध्यम से हमारा प्रोजेक्ट का काम 2011 से चालू है। उस जगह पे अच्छी तरह से प्रोजेक्ट चालू आज तक है, लेकिन ये वहाँ पे मिलन जी गाला रत्न निर्माण के मालिक है, वहाँ पे कोई 10-12 लोगों को वहाँ से वहाँ में 12 लोगों को उसमें से निकाल के उन लोगों को साथ में लेके गुंडाशाही वहाँ पे कर रहे, वहाँ पे बहुत से ऐसे मद्रासी लोगों को बिठाया है, उनका नाम द्रविड़ है, वहाँ पे ऑफिस खोला है, हमारे बोर्ड है उनको भी वहाँ पे कलर मार के कम से कम 2 महीने से हमको तंग कर चुके। कम से हमारे 2 महीने में पुलिस स्टेशन को मैनेज करके हमारे ऊपर कम से कम आज तक 5 या 6 का FIR दाखिल हुआ है, लेकिन आज भी पुलिस स्टेशन दखल नहीं ले रहे थे हमारे लोगों का। हमारे मेरे घर पे मैं मुख्य प्रवर्तक को प्रभाकर तांबे करके मेरे घर में मेरे औरत के ऊपर इतना हमला किया, उसका भी दखल पुलिस स्टेशन ने लिया ने। यहाँ पे ट्रीटमेंट भी हुआ था शताब्दी में, उसका भी पुलिस स्टेशन ने दखल लिया ने। हम लोग को ACP ने, खुद ACP वहाँ पे थे पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे से हमको गाली दिया दे के वहाँ से भगा डाले। तो सीधा पुलिस बोल रहे थे अगर ज़्यादा यहाँ पे रुकेंगे तो तुमको अरेस्ट करेंगे, तुम्हारा कोई सुनवाई यहाँ पे होगा नहीं, सीधा अंदर जाओ, सीधा बाहर जाओ। तो देखो ये बहुत वहाँ पे ये चल रहा है, आज सुबह की बात बता रहा हूँ। हमारे इसके पहले भी हम लोग बहुत से ऐसे कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दे चुके, पुलिस स्टेशन तो हमारा कोई दखल नहीं ले रहा है। हमारे अध्यक्ष सोसाइटी के संभाजी बापू जाधव ये सुबह टॉयलेट के लिए बाहर के रोड पे जा रहे थे, टॉयलेट करके बाहर निकले, इतने में हमारे सोसाइटी के जो लोग हैं, जो भास्कर केशव गावकर, मुकुंद किशन जाधव, परशुराम मनोहर गायकवाड़ और उनके और एक साथी हैं मिलन गाला, ये धरती निर्माण के मालिक हैं, उन्होंने उनको आगे करके चॉपर रॉड्स और तलवारी का हमला किया उनके ऊपर, उन्होंने अपना उसमें से बचाव करके भागे, इसके लिए बच पाए, नहीं तो वहाँ पे लगता है खत्म होते थे। उनके ऊपर कम से कम 18 डाका लगा हुआ है। आज हम लोग सुबह से शताब्दी हॉस्पिटल पे आए हैं। पुलिस केस हुआ है क्या? पुलिसों ने दखल नहीं लिया, हम लोग पुलिस स्टेशन में गए, पुलिसों ने सीधा भगा डाला, जाओ शताब्दी हॉस्पिटल करके, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई भी पुलिस स्टेशन का कोई भी इंस्पेक्टर यहाँ पे आया नहीं। सुबह से यहाँ पे हम लोग आ रहे थे, आज जो मारने वाले थे कौन थे वो लोग? अपना भास्कर केशव गावकर, परशुराम मनोहर गायकवाड़, द्रविड़ करके और एक मुकुल किशन जाधव, ये 4 जन थे, उन लोग चॉपर रॉड्स और तलवारी से मारे उनके। क्या मान करना साहब इनको किसी भी, मैं एक ही बात बोलता हूँ, DCP BCP सब जो ACP और चार को पुलिस थाना है ये सब मिले भगत है, ये लोग ने पैसा खाया मिलन गाला से और उसने पूरा चौकी बांध के रखा है, हम लोग का कोई भी सुनवाई वहाँ पे होता नहीं। इनके ऊपर मैं बोलता हूँ ये लोगों के ऊपर सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्डर को तो अरेस्ट होना चाहिए, इसने तो बहुत दहशत ये कर दिया है, सबको 5-5 लाख देता हूँ, आप झूठा सिग्नेचर है ऐसा बता दो SRA में, ऐसा सबके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। आज भी हेरिंग है हम लोग का, सबको झूठा बोलने के लिए ये कर रहे वो लोग। आज भी संभाजी बापू जाधव को भी वही बोला था, लेकिन संभाजी बापू जाधव ने ना बोला, इसके ऊपर उसके ऊपर हमला कर दिया। एक मिनट रुको, शिवरा डेवलपर के माध्यम से प्रोजेक्ट चालू है तो भी वो लोग झूठा पेपर निकाल के ऐसा बताते हैं कि मिलन गाला का प्रोजेक्ट चालू है करके, लेटर हेड का दुरुपयोग कर रहे ले, हर चीज का दुरुपयोग करके सब झूठा झूठा पब्लिक में सब बातचीत फैला रहे। हमारे रहवासी में, हमारे SRA में जो मेन है उसको आज मारे है और धमकी भी देते है,
अब तो आज उनको मारे कल हमको भी मार सकते हैं। ये रोड एक ही है, रहना एक ही जगह पे है, तो इसका दखल पुलिस ले या और कोई ले, लेकिन लेना जरूरी है। हम लोग अभी डर पैदा हो गए, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, हमारे बाल बच्चे बाहर नहीं खेल सकते। हमारा भी रास्ता में मारेगा, उसको देखा रास्ता में मारा, हमारे बच्चे को भी दखल लेना चाहिए, दखल नहीं ले रही बाहर बाहर रह रहे हैं, उनको घर में आने नहीं दिया जा रहा है, टारगेट किए जा रहे हैं। कौन परेशान कर रहा है? कौन? वही लोग कहाँ के रहने वाले? वो वहाँ के ही रहने वाले। हाँ, एक ही सोसाइटी में हम लोग भी करते हैं, ऐसा दिला दिला के वो लोग हम सब लोग का बाजे रखते हैं। ओके।